दूरदर्शन की ओर से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का अभिवादन करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। आज विशेष बात, और विशेष बात ये कि हम बात कर रहे हैं हमारे प्रदेश की यानी राजस्थान की, यानी रंग रंगीलो राजस्थान री। राजस्थान की जब बात करते हैं तो दुनिया भर के लोग आकर्षित हो जाते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं, वो सुनने को लालायित रहते हैं कि राजस्थान के बारे में क्या बात की जा रही है। राजस्थान के रीति रिवाज, राजस्थान की जो परंपराएं, राजस्थान की जो संस्कृति और राजस्थान की सजी धजी महिलाएं, राजस्थान की बोली यानी राजस्थान की अपनायत, यानी राजस्थान के उत्साह और उमंग, राजस्थान के तीज और त्योहार, राजस्थान के रंग बिरंगे मेले, बस रंग रंग और रंग। आप खेतों में काम करती हुई महिलाओं को देखिए, आपको रंग बिरंगे परिधानों में सजी हुई वो नजर आएंगी, उनके चेहरे पर जीने का अदम्य उत्साह, जिजीविषा वो झलकती हुई नजर आएगी, तो राजस्थान की कोई सानी नहीं। कहते हैं राजस्थान में पानी की कमी है, लेकिन पानीदार व्यक्तित्वों की या लोगों की कमी नहीं है। इस धरा ने कई आबदार व्यक्तित्वों को जन्म दिया है जिन्होंने राजस्थान को गौरवान्वित किया है। तो आज इन्हीं तीज त्योहारों को लेकर के हम प्रश्नोत्तरी सजा रहे हैं, और मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में एक मेहमान भी हैं, और जब हम मेहमान की बात करते हैं तो उनके बारे में मैं क्या बताऊं, मैं उसे गोपनीय रख रहा हूं, और जब मैं उनके बारे में बात करूंगा तब उनके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वह राजस्थान की जो संस्कृति है उसके बारे में एक अथॉरिटी है। तो थोड़ा सा सस्पेंस, और हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कौन से कॉलेज के विद्यार्थी यहां पधारे हैं, वो भी आज सस्पेंस इंतजार हमारे दर्शक करेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे अनुरोध कि तालियां जोरों से बजा दें आप। वैदी कन्या पीजी कॉलेज के विद्यार्थी जो तालियां बजा रहे थे अपने स्वयं के लिए, एक बार तालियां और हम आरंभ कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। मेरा पहला सवाल, एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, बस बताइए इसका भावार्थ क्या है, क्योंकि कहावतें जो हैं वो सदियों के अनुभव का निचोड़ हुआ करती है। बताइए और जीतिए पुरस्कार, बोलिए आप। सर तीज स्टार्ट होती है वहाँ से, हमारे त्योहार स्टार्ट होते हैं, गणगौर होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं, फिर दोबारा तीज आती है उसी टाइम से स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, तो और बेहतर तरीके से अपन क्या कह सकते हैं, तीज त्योहार बावड़ी की गणगौर आती है उसी टाइम से हमारे त्योहार स्टार्ट होते हैं। तीज गणगौर आती है जब गणगौर तीज से सॉरी सर, सही बोली थी मैंने, तो कहा थोड़ा इसको परिमार्जित कीजिए, तीज त्योहार बावड़ी, बावड़ी से क्या मतलब है, थोड़ा एक अंदाजा लगाइए कि कवि क्या कहना चाहता है, बावड़ी से क्या तात्पर्य है। आना सर, आना मतलब खूब, तीज त्योहारा बावड़ी, बहुत सारे त्योहार आरंभ होते हैं अनेक। शुभ नाम? निकिता सैनी। निकिता जी बहुत बहुत बधाई आपको पुरस्कार जीतने के लिए। अब इसका एक पुरस्कार और दे दूंगा, क्योंकि प्रश्नोत्तरी का जो मंतव्य और उद्देश्य है वो ये है हम कितने सटीक हो सकते हैं, और फैकल्टी मेंबर्स भी बोल सकते हैं, हर शब्द का एक अर्थ होता है। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसको पूरा विवेचना कीजिए और जीतिए पुरस्कार। जी मैम, त्योहार तीज से स्टार्ट होता है मतलब आरंभ होते हैं, और फिर त्योहार मुड़कर तीज से मुड़कर गणगौर तक पहुंच जाते हैं और गणगौर पे खत्म हो जाते हैं। नहीं, वो तो एक मोटे रूप से बात आ गई कि वो शुरुआत होती है, और वो तीज त्योहार बावड़ी मतलब थोड़ा और विस्तारित कीजिए, सभी को समेट लीजिए थोड़ा सा। यस जी, शुरुआत तीज से होती है और होली पे जाके समाप्ति होती है त्योहारों। नहीं नहीं, पर वो तो मोटे रूप से वो तो बात आ चुकी है। देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बात को समग्रता से कहें, आपने मोटे रूप से ये कही, यानी राजस्थान की बात करते हैं
लोक उत्सवों की बात करते हैं, लोक पर्वों की बात करते हैं, तो हमारे यहां पर तो मानो हर दिन उत्सव उत्सव और उत्सव, यानी उत्सव धर्मिता हमारी परंपरा है। फिर भी मोटे रूप से जब तीज यानी श्रावण यानी शुक्ल पक्ष यानी उसकी तृतीया से आरंभ होता है, तो तीज त्योहारा बावड़ी, यानी जैसे बावड़ी में पानी भरा हुआ होता है, उस प्रकार से बहुत सारे पर्वों को लेकर के वो आती है और एक 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 करके बहुत सारे पर्वों को बावड़ी और लेकर के आती है, और धीरे 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 सारे पर्व आ जाते हैं। और ले डूबी गणगौर, गणगौर वासंती पर्वों की समापन वेला है, वो समापन हो जाता है। कभी कभी ऐसा मैं बोलूं तो आप भी उपयुक्त समझें तो तालियां बजा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, श्रावण के तीज की बात चली, शुक्ल पक्ष की, इस तीज को काजली तीज या कजली तीज भी कहते हैं, क्यों? कोई तो कारण हुआ होता। फैकल्टी मेंबर थोड़ा इंतजार करें, आपने हाथ खड़ा किया है, वाह, आने दीजिए साहब जी, बोलिए आप। क्योंकि ये तब ये तीज के महीने के दिन है ना, सावन का मौसम रहता है, तो इस समय बादल काले रहते हैं, बरसात के तरह टाइम रहता है, समय रहता है। आपका नाम क्या है? सरोज जांगड़। सरोज जांगड़ी, तो सरोज जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। यानी हरियाली, यानी बरसात, यानी राजस्थान में जहां पर बरसात कम होती है और जब उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं, बरखा होती है, हरियाली होती है, मन मयूर नाच उठता है, तो श्रावण की तृतीया और इस समय काले बादल जब घुमड़ते हैं तो क्या कहा, काजली तीज, कजली तीज, वाह क्या आनंद की अभिव्यक्ति है। तालियां बजाइए इनके लिए, जोरदार तरीके से आप बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। और देखिए, बालिकाएं और नवविवाहित वधुएं जो होती है विशेष रूप से, ये उनका त्योहार होता है, ये आप सभी जानते हैं। तालियां तो बजाई दीजिए फिर भी। देखिए गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया, मेरा सरल सा सवाल यह है कि इस दिन को शिव और पार्वती यानी गण और गौर इनकी पूजा की जाती है विशेष रूप से सधवा स्त्रियों द्वारा और कुमारिकाओं द्वारा, यानी कुमारी लड़कियों द्वारा। आपको यह बताना है सधवा स्त्रियों एवं कुमारिकाओं द्वारा किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये त्योहार मनाया जाता है, व्रत रखा जाता है, यह बताइए। और जीते पुरस्कार, और चलिए दो पुरस्कार दे दूंगा, सधवा स्त्रियों के लिए एक अलग और कुमारिकाओं के लिए अलग, ताकि पुरस्कार ज्यादा हो। जी बोलिए आप। बालिकाओं के द्वारा वर की, जोर से बोलिए, बालिकाओं द्वारा वर की प्राप्ति के लिए। बालिकाओं द्वारा वर की प्राप्ति के लिए, कैसे वर? अच्छे वर। तो वो ये कामना करती है कि हे प्रभु, हे शिव, हे पार्वती, मुझे अच्छा वर देना। तो अच्छे वर की कामना के लिए आपका शुभ नाम? दीपिका यादव। दीपिका जी, क्या बात है दीपिका यादव। और दीपिका जी, आपसे एक विशेष अनुरोध, और वो अनुरोध ये कि आपका नाम है दीपिका, यानी आलोक, यानी प्रकाश, यानी ज्ञान का चहुं और प्रसार करना और अंधकार को मिटाना। इसलिए हे दीपिका, शपथ ले, संकल्पित हो कि अब संकोच नहीं करेगी, और जब जानती है तो ताल ठोक करके अपनी बात कहेगी। बजाइए तालियां इनके लिए जोरदार तरीके से। अब आपको बताना है सधवा स्त्रियां, इधर से मैंने पूछ लिया, इधर से पूछा था, इधर से नहीं पूछा, चलिए आप बताइए। अपने पति की लंबी उम्र के लिए। अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और इतने गोपनीय तरीके से बोल रही है, कोई सुन नहीं ले। शुभ नाम? दीक्षा। दीक्षा जी, आपको मैं आज आपको भी दीक्षित कर रहा हूं, इनको दीक्षित कर रहा हूं कि अपनी बात को तसल्ली से कहिए,
जोर से कहिए, कन्विक्शन और करेज के साथ कहिए। तालियां बजाइए इनके लिए। बसती रहनी चाहिए, बसती रहनी चाहिए। अब लहरिया, सावन का महीना, बस लहरिया लहरिया लहरिया। और 900 रुपया रोकड़ा सा, यानी मन मयूर नाच उठता है। मेरा सवाल यह है कि ये लहरिया होता क्या है, बनता कैसे है, क्या विशेष बात है लहरिया में, बताइए आप और जीतिए पुरस्कार। और इसका क्या संबंध है सावन से, यह भी बता दीजिए एक पुरस्कार। और इधर से नहीं पूछा मैंने अभी, पुरस्कार नहीं मिला, चलिए इधर से बोलिए आप। सावन के अंदर लहरिया इसलिए पहनते हैं क्योंकि समुद्र की लहरों से ये लहरें उठती है, तो इसलिए समुद्र की लहरें यानी बरसात यानी पानी की लहरें। वाह, शुभ नाम। हर्षिता कानूनगो। हर्षिता जी हर्षाइए, तालियां दोनों से बजाइए। हर्ष हर्ष और हर्ष यानी उल्लास, उल्लास और उल्लास यानी उमंग, उमंग और उमंग यानी सावन, सावन और सावन और लहरें, लहरें और लहरें। ओ वाह क्या बात है। अब आप ये बताइए ये होता क्या है लहरिया, लहरिया होता क्या है। अच्छा मैम आप खड़ी होइए, ये लहरिया है या मोठड़ा है? मोठड़ा, ये भी मोठड़ा, ये भी मोठड़ा, कोई लहरिया? हाँ खड़ी होइए आप। ओ मैम का ये लहरिया, वाह खड़ी होइए मैम, मैम खड़ी हो जाइए। और अब आपको एक राज डिस्क्लोज कर दूं कि आप हमारी चीफ गेस्ट भी हैं मैडम सामने की तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। तो ये अब आप बताइए इस लहरिया या ये जो मोठड़ा जो है ये बनते कैसे, आप विराजे सर, आप विराजे, आप भी बैठे मैम, लहरिया और मोठड़ा ये बनते कैसे हैं, एक पुरस्कार। इन्हें बनाया क्या, कैसे बनाया जाता है? ये खड़ी हुई आप, टाई और ड्राई से बंदेज, किससे? टाई और ड्राई, डाई। हाँ तो देखिए थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो जाती है, टाई एंड डाई। और इसको हमेशा देखिए कि टाई का मतलब क्या है, बांधना, डाई का मतलब रंगना। तो यानी जो कपड़ा होता है उस पर धागे से छोटी छोटी बिंदियों की तरह से उसको बांधा जाता है, टाई किया जाता है और फिर रंग में डुबोया जाता है। तो जहां पर वो बंधा हुआ है वहां पर वो रंग नहीं लगता है। और लहरें जब होती है तो क्या, अच्छा ठहरिए बस एक पुरस्कार। शुभ नाम? ईशा शर्मा। ईशा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप। चलिए आपको इस चीज को प्रमोट करने के लिए कि चीजें हम एक प्रेरित हों, हम इर्द गिर्द क्या चीजें रोज देखते हैं उनके बारे में जानकारी रखें। अब बताइए लहरिया, लहरे लहरे लहरे, ठीक है। अब मोठड़ा में और लहरिया में अंतर क्या है, दोनों टाई एंड डाई है, अंतर बता दीजिए। बस सामने है आपके, ठहर डॉट डॉट ऐसे नहीं, प्रश्न है पूछूंगा। मैम एक बार खड़ी हो जाएं आप, मैम आप भी खड़ी हो जाएं आप भी। हाँ साहब अब मुझे बताइए कि लहरिए, लहरिया तो आपने देख लिया, मोठड़े में और लहरिया में क्या अंतर है, बोलिए आप। सर लहरिया कंटिन्यूस होता है उसमें लाइंस, और जब मोठड़ा होता है उसमें डॉटेड होंगी। नहीं, थोड़ा सा और अंतर, बड़ा ही सरल है। लहरिया लहरों की तरह होता है और मोटे बिंदियों की तरह, नहीं बिंदियों की तरह। चलिए लहरिया बहुत दूर दूर होता है और मोटा दूर दूर नहीं, बस अंतिम। हाँ खड़ी हुई है आप, हुई है, हुई है। मोटा जो होता है एक कलर में होता है, लहरिया बहुत सारे कलरों में भी हो सकता है, बहुत सारे। बस कोई अंतर बता पाएगा साहब आप में से? लड्डू के उसका यानी जो लाइनें हैं उसको इधर से इधर से इधर से जब काटती है और ऊपर से गुजरती है तो जो बिंदिया बिंदिया जो आप कहते हैं वो प्रकट होती है, मोठड़ा कहलाता है। लहरिया क्या बन जाता है, तिरछी। क्या बन जाता है? मोठड़ा, तिरछी लाइनें होने से। तालियां बजाइए इन सभी के लिए जोरदार तरीके से आप। तो अब आपसे एक शर्त, लहरिया मोठड़ा 900 रुपया रोकड़ा सा। कुछ लोग आप में से यहां आकर के नृत्य कर सकते हैं, आप में से भी कोई आ सकता है जो बनी ठनी बैठी हैं और आकर के नृत्य करेंगे।
अगला सवाल, और मैं चाहूंगा, मैं आपको पहली बार बता रहा हूं, एक गीत है, आप में से कोई गा सकता हो, जमाई जी पावणा, और अगर कोई गा सकते हो तो आप गाइए, आप गाएंगे, जो गा सकते हो आ जाइए यहां पर, आ जाइए यहां खड़ी होइए, आप आइए, आ जाइए, और इस माइक को लीजिए दोनों पास पास में, और एक पंक्ति आप और एक पंक्ति आप, शुरू कीजिए। एक बार आओ जी जवाई जी पावणा, एक बार आओ जी जवाई जी पावणा, ताने सासु जी भूल गरिया जवाई लाडला, ताने सासु जी बुलावे गरिया जवाई लाडला। थैंक यू वेरी मच, तालियां बजाइए जोरों से इनके लिए। आज दो पुरस्कार आपको ये बताना, इन्होंने गीत गाया, इस गीत का भावार्थ क्या है, भावार्थ बताइए और जीतिए पुरस्कार, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए, रोज सुनते हैं, रोज गाते हैं। थोड़ा उधर होइए सब जी, बोलिए आप। इसमें है ना, सास है ना अपने जवाई को बुला रही है, और है ना जवाई मतलब आना नहीं चाहता, और उन्हें मना कर रहा है कि मेरे घर पे कोई काम है। और एंड में क्या होता है? एंड में है ना, जब उसकी वाइफ बुला मतलब पत्नी बुलाती है तो वो चला जाता है। तो चला जाता है। शुभ नाम आपका? भारती गुजर। भारती जी, आपको इतना अनुभव कैसे है कि सास के बुलाने से नहीं जा रहा है, पति के बुलाते ही? क्योंकि बचपन से ही वो गाना देखा है, सुनता है, और फिर सुनता है। वाह वाह, क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए, जोरों से। देखिए इन्होंने कितनी सार्थक बात कही कि बचपन से ही ये सुनते आए हैं, बचपन से ये कहते हैं, यानी सास बुला रहे हैं, ससुर जी बुला रहे हैं, साला जी बुला रहे हैं, साली जी बुला रहे हैं, लेकिन अंत में लाडी जी बुला रहे हैं। तो अब आप जोरदार इसका उत्तर सुनिए और गाइए, पुरस्कार दे दिया मैंने आपको, तालियां जोरों से बजाइए उनके लिए एक बार। एक बार आओ जी जवाई जी पावणा, एक बार आओ जी जवाई जी पावणा, ओ थारा लाडोसा, ओ थारा लाडोसा बुलावे घरे आप जवाई लाडकेड़ा, ओ थारा लाडो जी बुलावे घरे आप जवाई लाडकेड़ा, लाडी जी बुलावे है तो लाडो जी भी आवेला, मने लाडो जी बुलावे घरे आप जवाई लाडकेड़ा। एक बार आओ जी जवाई जी पावणा, एक बार आओ जी जवाई कने सासरिये बुलावे घरे आप जवाई लाडकेड़ा, कने सासरिये बुलावे घरे आप जवाई लाडकेड़ा। एक बार आओ जी चलिए आपको ये गाना क्या है, किस तरीके से, किस अंदाज में, और आपने कैसे गाया, आइए उससे कराते हैं रूबरू, आपको तालियां जोर से बजाइए एक बार आप।
सवाल चिरमीरा डाला चार, पहले आपको ये बताना है दो सवाल, इस गीत का भावार्थ क्या है एक, और फिर आपसे पूछूंगा दूसरा सवाल, एक चिरमी का वजन कितना होता है, चिरमी का वजन। और आपको ये बता दूं कि देखिए आप कॉन्फ़िगरेशन डिवीजन ऑफ सेल्स के, हर चिरमी वजन में एक समान होती है, एक ही समान पेड़ों पर उगती है चिरमी, चिरमीरा डाला चार प्रकृति, उसकी लीला देखिए आप। और सोने चांदी तोले जाते हैं, आज भी गांव में तोलने के लिए काम आती है, इसका मतलब एक चिरमी और दूसरी चिरमी में कोई अंतर नहीं। आ रहा हूं मैम, आ रहा हूं, वाह वाह वाह, आप खड़ी हो ही जाइए आप, क्योंकि आपको लगा कि कहीं कोई हक नहीं मार ले, और नहीं नहीं, दूरदर्शन का सदैव प्रयास रहता, जिसने हाथ पहले खड़ा किया है हम जरूर पूछें। और अब आप पर भार बहुत आ गया, दर्शक देख रहे हैं कि कहीं कोई मामला गड़बड़ नहीं हो जाए, उत्तर गलत नहीं हो जाए। सर, चिरमी तोला, सोना चांदी तोलने के काम आती नहीं है? वो तो मैंने कहा कि चिरमी का वजन कितना होता है, रत्ती में बताइए, ग्राम में बताइए। सर, रत्ती, एक रत्ती, एक रत्ती, बिल्कुल सही। शुभ नाम? लक्ष्मी माथुर, डॉक्टर लक्ष्मी माथुर, डॉक्टर लक्ष्मी माथुर, वाह क्या बात है। एक रत्ती यानी 0.12 ग्राम, और ये लाल होती है और ऊपर काली टोपी, 75% तो रेड और ऊपर जो टोपी है वो 25%, और वजन बराबर। अब एक सवाल रह गया, इसका भावार्थ क्या है इस गीत का, इस लोक गीत का, ये व्यथा कथा है, किसकी व्यथा है, उसका प्रकटीकरण कौन कर रहा है, ये आपको बताना है। बोलिए आप। चिरमी एक छोटी लड़की है जिसकी शादी बचपन में कर दी जाती है, तो वो माँ बाप के याद में ये गाना गाती है। वाह, शुभ नाम? ऋतु कंवर। ऋतु कंवर, वाह क्या बात है, यानी बचपन में शादी कर दी गई, पिता की याद, भाई की याद, पीहर की याद यानी माँ की याद, और वो डाले पर चढ़ करके वो देख रही है, और घोड़े पर उसके पिता आ रहे हैं, ऊंट पर उसका भाई आ रहा है, बालिका वधू है, छोटी वधू, पीहर की याद, वाह पीहर की, तालियां बजाइए, पीहर पीहर और पीहर, पीहर से बड़ा स्वर्ग कोई हो नहीं सकता, पीहर से बड़ा स्वर्ग कोई हो नहीं सकता। और प्रयास ये है हम सभी को करना चाहिए कि ससुराल भी स्वर्ग हो जाए, ससुराल भी स्वर्ग हो जाए। और मैं तो कहता हूं कि अच्छा पति मिले, जैसा कि अभी आपने कहा कि उसकी कामना करते हैं, मैडम यादव ने कहा था, तो दीपिका, दीपिका, यस दीपिका, तो एक ऐसा भी करिए कि सास भी और ससुराल भी स्वर्ग हो जाए, अच्छी मिले, इसके लिए भी कोई, मैम आप कुछ बताइए। आइए अब हम बात करते हैं, हमारे जो गेस्ट हैं उनसे बात कर रहे हैं, और मैम आप अपना पूरा परिचय दें। मैं परिचय आपका इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इतना विशद परिचय है, जिस राजनीतिक घराने से आप बिलोंग करती है, जो स्वतंत्रता संग्राम में आपका योगदान रहा है, आपके श्रीमुख से हमारे श्रोता इसको सुनना चाहेंगे, तो आप पूरा परिचय अपना दें, और फिर हमारे तीज और त्योहार हमारे दैनिक जीवन में उनका क्या महत्व है, इसके बारे में आप थोड़ा डालें प्रकाश। मेरा जन्म अहमदाबाद में हुआ जी, और जब नामकरण संस्कार हुआ तो मृदुला साराभाई ने मेरा नाम रखा, कहता एक मृदुला साराभाई और एक मृदुला दुलजी भाई। और यहाँ से फिर हमारे पिताजी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, उसमें हमने भी भाग लिया जी, और जेल यात्रा भी की है, प्रभात फेरियां निकाली जाती थी, उसमें हमारा, हम सबसे आगे झंडा लेकर के रहते थे, और उस समय गाया करते थे, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पे लुटाए जा। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए आजादी का पर्व, जश्न आजादी हम मना रहे हैं, और इस अवसर पर महिलाओं का त्याग, असीम शौर्य, धैर्य, क्या बात, एक बार तालियां फिर बजाइए मृदुला जी के लिए आप। यस मैम, अभी चिरमी की बात आपने कही, तीज, तीज त्योहार, हमारे यहाँ तीज त्योहार पर्व देख लीजिए, राजस्थान के हो चाहे कहीं और के भी हो जी, बहुत ही उत्साह के साथ अधिकतर महिलाएं ही मनाती है इसको, क्योंकि ये सारा उत्साह महिलाओं में अधिक होता है,
और सारे परिवार को जोड़ लेती है जी। मन मुटाव को समाप्त करने का कार्य है पर्व हमारा, तो उस पर्व से ही आपस के मन मुटाव समाप्त हो जाते हैं। कभी होली दिवाली पे स्नेह मिलन इसलिए रखा जाता है कि आपसी मन मुटाव को हम समाप्त करके और स्नेह से एक दूसरे से मिलें और आपसी भाईचारा बनाए रखें। एक उदाहरण के रूप में यम और यमी की बात है, पौराणिक कथा जी, बता जी, करके जी, बात समाप्त करूंगी कि यम और यमी, यमी ने अपने भाई यम को निमंत्रण दिया भोजन का, भाई ने स्वीकृति दे दी किंतु कारणवश वो नहीं आ पाए तो वो नाराज हो गई। अब वर्षों बीत गए, आखिर भाई ने सोचा कि मुझे अपनी बहन को प्रसन्न तो करना ही है, तो वो अचानक अपनी बहन के घर पहुंच गया और बहन ने कहा, दस्तक दी, कौन है? तो कहा, तुम्हारा भाई यम आया है। क्यों आए हो? अरे मैं आया हूँ भोजन करना है, मुझे बहुत दिनों से भूखा हूँ। तो सोचा, मेरा भाई भूखा है, अरे मेरा भाई भूखा है, ये अपनापन आ गया, प्रेम स्नेह ये उत्पन्न हुआ उसके अंदर और उन्होंने उसको बड़े प्यार से भोजन करवाया। ये दिन था हमारा भैया दूज का, जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं, दीपावली के बाद आता है। तो इस तरीके से ये हमारे आपस में भाईचारा बनता रहता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मृदुला सांबेदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। यानी मृदुला सारा भाई ने आपका नामकरण किया, स्वतंत्रता आंदोलन में आपने भाग लिया, आपने कितना त्याग किया और इसलिए हमने उपयुक्त समझा कि आज गेस्ट के रूप में आपको आमंत्रित किया जाए। तालियां एक बार फिर बजाइए महिला सशक्तिकरण में आपके योगदान के लिए। देखिए आपको जो ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं ये रीजनल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सीतापुरा के सौजन्य से दिए जा रहे हैं, उनके लिए भी तालियां एक बार जोरों से बजा लीजिए आप। अब हम आपको एक वाद्य यंत्र से रूबरू करा रहे हैं, उसकी धुन सुने, एक प्रसिद्ध लोक गीत इस पर आधारित है, इसका नाम बताना वाद्य यंत्र का, सिंपल सा, और इस पर कौन सा लोक गीत है वो आपको बताना और जीतना है पुरस्कार। बताइए साहब इस वाद्य यंत्र का नाम पहले तो ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी बोलिए, आप बोलिए। उपाड़ी। हाँ बजाती, बचपन में बहुत बजाते हैं। चलिए मैम ये आप अलगोजा। वाह क्या बात है, क्या बात है। शुभ नाम मधु शर्मा, मधु शर्मा जी के लिए अलगोजा। आमतौर पर दो अलगोजे दो नलियों के एक साथ बनाए जाते हैं, एक में साकी ध्वनि परमानेंटली और दूसरे पर अन्य स्वर, तीन से चार भी उसमें सुराख हुआ करते हैं, तो ये मालूम होना चाहिए। पहले दो पंक्तियां अपन गाते हैं, आप साथ में गाएंगे और फिर आपको मैं ये तो धुन तो आपने सुनी ली, गीत को सुनिए आप। ओ मारा छेल भवर का, छेल भवर का अलगो जा खेता में बाजे, खेता में बाजे मेरा में बाजे, ओ मारा छेल भवर का। मैं एक चीज और, आप में बहुत टैलेंट है, अभी हमने इससे पहले चिरमी की बात की थी, मैम ने चिरमी के बारे में वर्णन किया, कोई चिरमी कोई गीत गा सकता है? चिरमी गा सकते आप? चलिए खड़ी होइए, आप खड़ी होइए, खड़ी होइए, चलिए गाइए और आप इनके पीछे गाइए चिरमी, और फिर मैं आपको सुनवा भी दूंगा, पास में रखिए और जोर से गाइए और आप साथ देंगे इनका। पहले सुनिए एक लाइन ये, एक लाइन फिर आप, चलिए। चिरमी रा डाला चार बारी जाऊं चिरमी रे, चिरमी रा डाला चार बारी जाऊं चिरमी रे, चिरमी भारी चिड़कली
जरूर तालियां। और आइए अब आपको रूबरू कराते हैं शिरमी से, तालियां बजाइए उन कलाकारों के लिए जोरदार तरीके से। आप नृत्य दिखा रहे हैं, कौशल को देखें, उससे संबंधित एक सवाल पूछूंगा मैं। तालियां जोरों से बजाएं इस नृत्य के लिए। नृत्य का नाम, एक पुरस्कार और दूसरा विशिष्टता क्या है इस नृत्य की। आपको पुरस्कार मिला है, आपको नहीं जी, बोलिए आप। चेरी डांस, चेरी तो चेरी डांस। इसकी विशेषता है कि इसका मतलब इसका नीचे का शरीर तो गर्दन से ऊपर गतिशील रहता है नीचे का, और सिर स्थिर रहता है, स्थिर अवस्था में इसको हिलने नहीं देता। तो वो तो एक अंदाज है, एक लयकारी है, एक शारीरिक क्रिया है। तो मोटे रूप से अपन इसको क्या कह सकते हैं, इस बात को डिफाइन करना हो इस नृत्य की विशेषता क्या, बैलेंस बनाया, गर्दन फिक्स रखी, इधर उधर भाव भंगिमाएं इत्यादि इत्यादि। तो शारीरिक कौशल, लयकारी की विविधता देखा आपने, और नृत्य अदायगी का अंदाज, कभी नोट उठाते हुए देखा, कभी आपने देखा होगा कांच पे चल रहे हैं, कभी तलवार पे चल रहे हैं, कभी आपने ग्लास के ऊपर चढ़ते हैं, कभी देखा होगा कई घड़े होते हैं उनको लेकर के, तो बैलेंस। और ये तो मोटे रूप से इसको ऐसे। शुभ नाम, सपना जोरवाल। सपना जोरवाल जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए। सपना जी बिल्कुल सही था। और अब आपको बताना इसका नाम। मैम आपको पुरस्कार मिला है, इधर से चलिए आप। मैम भवाई, शुभ नाम। दीक्षिता मेहता, वाह क्या बात है, आप जोरदार ताली बजाइए। कई बार सुना है भवाई डांस, तालियां तो बजती ही रहनी चाहिए, बजती ही रहनी चाहिए। अब आपको एक नृत्य दिखा रहे हैं, उसे देखें और फिर पूछूंगा मैं सवाल। Thank you.
सवाल ये विशेष रूप से किस जाति के महिलाओं द्वारा अपने कौन से आराध्य देव के सम्मुख विशेष अवसरों पर अनेक अवसरों पर ये प्रदर्शन किया जाता है, शारीरिक कौशल से परिपूर्ण ये नृत्य। और दूसरा, आपको बताना है इस नृत्य का नाम, और पुरस्कार तब मिलेगा जब आप बताएंगे कि ये नाम क्यों पड़ा। ठीक है, अच्छा चुनौती, चलिए आ रहा हूँ मैं, आने दीजिए, आने दीजिए जी जी, बोलिए आप। तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य, तालियां तो बजा लीजिए। ये बताइए, आप खड़ी हो जाइए, तेरह ताली नृत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वो तेरह होती है, वो तेरह होती है, वो क्या मंजीर ऐसे नहीं मंजीरे। क्या? मंजीरे, मंजीरे देखे कभी? यस सर देखे हैं। शुभ नाम? सीमा महावर। सीमा जी आप बड़ी पॉपुलर हैं, सब आपकी मदद कर रहे हैं, मंजीरे इधर से आवाज आई है ना। चलिए तालियां बजाइए इनके लिए जोरों से, तेरे ताली नृत्य। चलिए एक पुरस्कार और दे दूंगा अगर आप बता दें कि ये जो तेरे मंजीरे हैं इनका विन्यास क्या होता है, कहां कहां बंधे हुए होते हैं, अगर ये बता दें तो एक पुरस्कार और। और वो तो है ही, कौन सी जाति की महिलाएं, कौन से आराध्य देव, वो तो है ही जी। बोलिए आप। महिला तो बन जा रही। नहीं ऐसा नहीं बन जा रही जी, ऐसे नहीं बिना पूछे नहीं। नौ दाएं पैर पे, दो कोहनी पे, दो हाथों। नौ दाएं पैर पे, दो कोहनी पे, दो कोहनियों पर, दोनों कोहनियों पर, तो तसल्ली से कहो, दो कोहनियों पर, दोनों कोहनियों पर, और नौ जो दाहिने पैर में है एक ही क्रम में, एक दूसरा तीसरा चौथा सीध, बिल्कुल सीध में, तो नौ और दो ग्यारह और दो हाथों में, दोनों हाथों में यानी हथेलियों में, और उनसे ये जो लयकारी और जो आपने देखा संगीत और कितना शारीरिक कौशल। शुभ नाम? दीपिका सेन। दीपिका, वाह क्या बात है, ये भी दीपिका और वो भी दीपिका, वाह क्या बात है। दीपिका आपने बिल्कुल कमाल से बिल्कुल सही उत्तर दिया, और यही उद्देश्य है कि हम इस प्रकार के नृत्यों के बारे में सवाल बार बार पूछते हैं ताकि हम उसके बारे में अपनी जो परंपराएं हैं, लोक परंपराएं और जो लोक संपदा है उसके बारे में जानें। अब ये बताइए कौन से जाति की महिला आराध्य देव, कौन से जाति की महिलाएं अपने कौन से आराध्य देव के लिए ये करती? बोलिए आप। बील बंजारियों द्वारा किया जाता है, बंजारा द्वारा शिव जी के लिए। हाँ जी कोई बोलू मैं? चलिए अंतिम 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 बोलिए। रामदेव, बाबा रामदेव, बाबा रामदेव। शुभ नाम? प्रियांशी। प्राक्षिक जी के लिए तालियां बजाइए। और ये कामड़ जाति की महिलाएं होती है, कामड़ जाति की महिलाएं अपने आराध्य देव रामदेव जी के लिए ये करती है, तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए। और तालियों की इसी गड़गड़ाहट के बीच में एक बार तालियां आपसे और बजवाऊंगा, क्योंकि हमारी ये परंपरा रही है और ये परंपरा तो अक्षुण बनाए रखी जानी है, जब बात तीज और त्योहार की हो, विशेष प्रश्नोत्तरी की हो, यानी नृत्य की प्रस्तुति, तो जो बनी ठनी बैठी है इंतजार कर रही है इतने समय से आपकी सहपाठी ने, उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तरीके से।